तो दोस्तों वन एंड ओनली बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 को लेकर सामने आई है बड़ी अपडेट। जी हां, अक्षय कुमार और परेश रावल की मूवी ओ माय गॉड ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने के बाद मेकर्स ने पार्ट 2 का भी ऐलान कर दिया था और अब मूवी पूरी तरह से तैयार है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से परेश रावल और खिलाड़ी अक्षय कुमार ने हमें ओ माय गॉड में एंटरटेन किया था, वही अब उसी तरह से OMG 2 में हमें पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार एंटरटेन करते नजर आएंगे। ओ माय गॉड में हमें जिस तरह से खिलाड़ी अक्षय कुमार भगवान श्री कृष्ण के रोल में नजर आए थे, वही अब OMG 2 में हमें अक्षय कुमार भगवान शिवशंकर के रोल में दिखाई देंगे। जी हां, वही अब पंकज त्रिपाठी भी इस मूवी में हमें धमाकेदार भूमिका में नजर आने वाली है। साथ ही यामी गौतम भी इस मूवी में नजर आने वाली है, जो कि पंकज त्रिपाठी की वाइफ का रोल प्ले करने वाली है। इसके अलावा मूवी में अरुण गोविल भी दिखाई देंगे, जो भगवान राम के किरदार में नजर आने वाले हैं। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, तो इस मूवी का डायरेक्शन अमित राय ने किया है, जो चीरहरण और रोड तो संगम जैसी मूवी का डायरेक्शन कर चुके हैं। वही दोस्तों, OMG 2 की शूटिंग से अक्षय कुमार की और पंकज त्रिपाठी की कई तस्वीरें और वीडियोज लीक हो चुकी है, जिसमे खिलाड़ी कुमार का लुक लोगों को काफी पसंद आ गया है। जी हाँ, यह आप साफ देख सकते हैं कि इस लुक में अक्षय कुमार कितने डैशिंग सुपरस्टार लग रहे हैं। वही एक क्लिप में हमें अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी के साथ नजर आ रहे हैं, जो फिल्म का वो सीन होगा जहां अक्षय पंकज त्रिपाठी को ज्ञान की बातें करते नजर आएंगे। खैर, मूवी का क्रेज तो है, लेकिन फिल्म मेकर्स की तरफ से मूवी को लेकर अभी कोई भी रिलीज डेट सामने नहीं आई है। खैर दोस्तों, तय है कि यह मूवी दर्शकों को काफी पसंद आने वाली है। जी हां, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट लोगों को काफी पसंद आया था और इसी के चलते अब पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी एक्साइटमेंट भी रहेगी। वही खिलाड़ी की यह मूवी इनकी फ्लॉप फिल्मों पर फुल स्टॉप लगा सकती है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये अपडेट सामने आई है कि ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो ये थिएटर में रिलीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। वही ये एक फ्रेश मूवी है जिसका कई दर्शक इंतजार कर रहे हैं। वैसे आप कितने एक्साइटेड है फिल्म को लेकर कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।